गुड मॉर्निंग लेडी एंड जेंटलमैन, मैं कर्नल विर्क हूँ जो कि यूरोटेक ट्रेनिंग से बात कर रहा हूँ। आज हम वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जिसको कि शॉर्ट में WPS भी बोला जाता है, उसके बारे में बात करें। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन यानी कि WPS क्या होता है? WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन और WPS इज अ डॉक्यूमेंट। इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट ए रिकॉर्ड, इट्स नॉट ए इंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट ए प्रोसीजर, इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स, जो कि सर्व करता है एज ए गाइड फॉर इफेक्टिव क्रिएशन ऑफ वेल्ड, जो कि एक इफेक्टिव वेल्ड को बनाने के लिए काम आता है। और वो जो वेल्ड है वो मीट करता है सारे एप्लीकेबल कोड्स और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। तो ये WPS एक डॉक्यूमेंट है जिससे कि जरिए हम लोग एक वेल्ड बनाते हैं, और वो जो वेल्ड है वो सारे कोड्स रिक्वायरमेंट्स को और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, तो उसको हम WPS कहते हैं। अब WPS जो है बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स या प्रोसीजर्स के ऊपर बनते हैं। इसमें जो मेन है वो है ASME है के बेस्ड के ऊपर, ISO के ऊपर भी बनते हैं, ISO सिस्टम्स के ऊपर और AWS के ऊपर भी बनते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो ASME के ऊपर ही बात करेंगे, जो कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स के बेस के ऊपर होता है। तो ये WPS कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है WPS जो आपने क्वालिफाई किया, एक WPS प्री क्वालिफाइड जो कि आपने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम कम था, आपके पास रिसोर्सेज कम थे, नो हाउ कम थी, तो इसलिए आपने प्री क्वालिफाइड किया, लेकिन ये भी एक स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर ही होता है। और तीसरा है कि जो बने बनाए WPS आप मिल सकते हैं आपको, वो कि जो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ने बनाए होते हैं वो सेल करते हैं, उनकी वेबसाइट से आप जाकर देख सकते हैं कि वो $300-$400 के ऊपर वो बनाते हैं, तो उनको हम स्टैंडर्ड WPS कहते हैं। अभी WPS के अंदर होता क्या है, क्या क्या कंटेन करता है, इसके अंदर क्या चीजें हैं? ये जो QW है ये एक रेफरेंस है ASME स्टैंडर्ड के, तो उसके अंदर ये बताया कि ये सारे जितने भी हैं ये उसके अंदर कंटेन होते हैं, ये उसके अंदर शामिल होते हैं। प्रोसेस जॉइंट्स, बेस मेटल्स, फिलर मेटल्स, पोजीशंस, प्री हीट, पोस्ट हीट, गैस, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निक्स, यानी कि ये सारे के सारे इसके अंदर या तो असेंशियल वेरिएबल्स होते हैं या सप्लीमेंट्री वेरिएबल्स होते हैं या नॉन वेरिएबल्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर सारी चीजें शामिल की गई हैं जिसके अंदर कि हमारे सारे वेरिएबल होते हैं, चाहे वो बेसिकली असेंशियल वेरिएबल हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, चाहे वो नॉन वेरिएबल हो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती। अभी क्या स्टेजेस होती हैं इसके WPS बनाने की, तो हमने एनुमरेट किया है एक टेबल के हिसाब से कि आपने अगर WPS बनाना है तो एक लंबा प्रोसीजर होता है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेस, प्रोसेस का मैंने होगा कि या तो आप SMAW से करना चाहते हैं, GMAW या GTAW, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नाम आते होंगे और नामनक्लेचर से आप वाकिफ हैं, या आप इनके कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं कि दो प्रोसेस इकट्ठे SMAW और GTAW को इकट्ठा ले लिया, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो हम आज की स्टडी के लिए सिर्फ SMAW का प्रोसेस है उसको हम एज एग्जांपल लेंगे। उसके बाद आपने, जैसे हमने बताया कि पिछली स्लाइड में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस है, कौन सी मेटल प्लेट है, बेस मेटल, कौन से फिलर मटेरियल हैं, और क्या पोजीशन से आप करना, तो ये सारी चीजें जो वेरिएबल्स में आती हैं वो आपने करनी है। और ये सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे ASME के अंदर टेबल में दिए हुए हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं। और
हमने ये जो वेरिएबल है उस टेबल से SMAW के वेरिएबल्स को लिया हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि आप एक प्रिलिमिनरी WPS बनाते हैं, या कि जैसे प्रपोज WPS होते हैं, उसके अंदर मिनिमम एसेंशियल वेरिएबल, एसेंशियल, सप्लीमेंट्री और नॉन एसेंशियल वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया, उसके अंदर शामिल किए जाते हैं और एक EWPS बनाया जाता है प्रिलिमिनरी, और उसके बेस के ऊपर जो है ड्राइंग्स बनाई जाती है, और ऑन उसके बेसिस के ऊपर अभी ये जो प्रिलिमिनरी WPS है इसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, उसके टेस्ट कूपन्स बनाएंगे। तो बेस्ड ऑन द प्रपोज WPS और प्रिलिमिनरी WPS टेस्ट कूपन जो है हम लोग बनाएंगे, और उनको कूपन्स को हम लोग वेल्ड करेंगे और वो एक तरह का हमारा PWPS बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज आती है कि जो ये टेस्ट कूपन हमारे बने हैं उसको हम DT मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जरिए हम उनको टेस्ट करेंगे। कुछ जैसे टेस्ट होते हैं विजुअल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, या लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, या ब्रेक टेस्ट हो गया, या टेंसाइल टेस्ट हो गया, एंड बेंड टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट जो भी इसमें लागू हैं, मोस्टली इसके अंदर एसमी के अंदर विजुअल टेस्टिंग, बेंड टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट जो है वो जरूरी है, वो स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं। तो ये तीन टेस्ट जो हम लोग इसको करते हैं। तो बेस्ड ऑन जो अब टेस्ट रिपोर्ट आएगी जो आपने टेस्ट किए हैं, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग ये PWPS जो प्रिलिमिनरी WPS था उसको हम लोग क्वालिफाई करेंगे, और या उसको हम लोग सारे जो PWPS जितने भी हैं बने हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके डाटा जो है उसको एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम WPQR या PQR आप कुछ भी नाम दे सकते हैं वो बनाएंगे। ये सारा जितना भी रियल डाटा है वेल्डिंग के टेस्ट का, कूपन्स का, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का, वो और वेरिएबल्स का, वो कंपाइल करके हम एक डॉक्यूमेंट में बनाते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये देखिए ये रिकॉर्ड है क्योंकि इसमें हमने चीजें भरी हुई हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट WPS है, और ये हमारा एक रिकॉर्ड बन गया। और जब ये हमारा रिकॉर्ड बन गया, इस रिकॉर्ड के बेस के ऊपर अभी हमारा WPS बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो WPS है उसके अंदर हम लोग रेंजेस शामिल करते हैं, और वो जो है वो एक तरह के रेंज होते हैं और वो जेनरिक होता है, वेरस जो PQR होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक डाटा के मतलब कि पॉइंटेड डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर बेस होता है। तो इसलिए ये PQR के बेस के ऊपर आप लोगों ने WPS को बना लिया, और आफ्टर सक्सेसफुल प्रिपरेशन ऑफ PQR फाइनल WPS इज प्रिपेयर्ड एंड प्रोड्यूस टू द वेल्डिंग, अभी ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जाएगा और जो फाइनल अप्रूवल है उसका WPS का, अप्रूवल ऑफ द WPS विल बी डन, इंस्पेक्टर उसको करेगा और एंड अवेलेबल कंडक्टर वेल्डिंग टेस्ट। तो इतने जितने भी ये प्रोसीजर हमने स्टेजेस देखी कि ये स्टेजेस आप फॉलो करेंगे तो आप एक WPS को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक WPS के पीछे नंबर ऑफ WPQR हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो वो आप WPS उस प्रकार से आप बना सकते हैं। अभी WPS के बेस के ऊपर हम एक वेल्डिंग वेबिनार कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ऑनलाइन होगा। अगर जो भी कैंडिडेट्स अगर WPS को और डिटेल में सीखना चाहते हैं, और ये वेबिनार करीब 2 घंटे का होगा, इसके अंदर हम बहुत डिटेल के अंदर आपको ये WPS का सिखाएंगे। उसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमें भेजना होगा, और ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं जिससे कि हम आपको कॉन्टैक्ट करें। जब कैंडिडेट एडिक्वेट हो जाएंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और आप WPS बनाना प्रैक्टिकली कैसे सीख सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं, या आप WPS के जो वेल्ड्स हैं उसकी किसी भी प्रोसेस के अंदर आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे
मोहाली ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे आके कर सकते हैं। और कोई भी वेल्डिंग का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अंडर, क्योंकि हम अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के एजुकेशनल पार्टनर हैं, तो आप AWS का कोई भी कोर्स है, जैसे CWI है या और कोई भी कोर्स है, लाइक वेल्डिंग इंस्पेक्टर, वेल्डिंग सुपरवाइजर, वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर और सिंपल वेल्डर, वो भी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप को ये जो इन्फॉर्मेशन है ठीक लगी होगी। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस वेल्डिंग को इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।